से आपको खबरें बताते हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का विवादास्पद बयान। ओपी राजभर को लेकर दिया विवादित बयान। ओपी राजभर को कहा थूक कर चाटने वाले स्पेशलिस्ट नेता हैं, ऐसे नेताओं को भाजपा पसंद नहीं करती है। तो पलटवार यहां पर देखिए अब किया, और इसके साथ साथ ओपी राजभर को बताया थूक कर चाटने वाला नेता। अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। ओपी राजभर को लेकर कहा भाजपा ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करती। कि कुछ नेता ऐसे हैं जो थूक कर चाटने के स्पेशलिस्ट हो गए हैं, तो इस तरह के लोग, इस तरह के समाज में घूमते हैं ऐसे लोग। और मैं सच कह रहा हूं कि 2019 का भी लोकसभा चुनाव आप लोगों ने देखा है, इस तरह के नेताओं ने बयान दिया कि 2 सीट से ज़्यादा भाजपा जीतेगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, और वो बेशर्म टाइप के लोग भी। रमनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। देखिए आज जो अनिल राजभर का बयान सामने आया, इसके बाद ओपी राजभर को थूक का चाटे वाला नेता कहा, और इसके बाद यहां पर अब क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या किसी ने ओपी राजभर की पार्टी की तरफ से ओपी राजभर ने इस बयान के बाद कोई अपना पक्ष रखा है? जी अभी ओपी राजभर के तरफ से कोई पक्ष तो नहीं आया, लेकिन अगर बात करें राजभर समाज की तो दोनों ही, चाहे ओपी राजभर की बात करें या अनिल राजभर की बात करें, दोनों लोग राजभर वोटर को क्लेम करते हैं, इस तरह के बयान दोनों लोग देते रहते हैं। जैसे कि ओपी राजभर की बात करें तो अनिल राजभर को लोडर बोलते हैं, वैसे ही आज कल जब अनिल राजभर से सवाल पूछा गया ओपी राजभर के बारे में तो ओपी राजभर को उन्होंने थूक कर चाटने वाला नेता बताया और कहा कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कहीं कभी भी चले जाते हैं, इस तरह की बातें सामने आई। तो ये सब कुछ देखा जाए तो ले देखे राजभर की बात है, दोनों अपना वर्चस्व मानते हैं कि राजभर वोटर्स हमारे हैं और इसी को लेकर ऐसे बयानबाजी देते रहते हैं। देखिए दो राजभरों के बीच का जो आपने बताया जुबानी जंग का सिलसिला बहुत पहले से रहा है, और एक बार फिर से यहां पर अनिल राजभर के बयान जो है विवादित ये दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब ये बयान उन्होंने दिया तो किस सवाल पर ये उनका जवाब था?